गंगा नदी के गुस्से का कहर, खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा। नाव है, हम लोग हेल करके मजदूरी करने जाते हैं। सड़कों पर भी नाव ही एक सहारा। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कानपुर से काशी और प्रयागराज से पटना तक गंगा के सितम से जिंदगी सहमी हुई है। गंगा नदी पैर पसार रही है और किनारे नदी में समाते जा रहे हैं। हमेशा बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले उत्तर बिहार के बाद अब दक्षिण बिहार भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। गंगा में आई बाढ़ का प्रकोप कैसा है, ये जायजा लेने संवाददाता निधि श्री बिहार के बक्सर पहुंची। ये कोई नदी का दियारा या बांध का इलाका नहीं, बल्कि बक्सर के चौसा में मुख्य सड़क की तस्वीरें हैं, जहां अब नाव चल रही है। सड़क पर जब से गंगा के पानी का कब्जा हुआ है, लोगों को इसी तरह घुटने भर से ज्यादा पानी में गुजरना पड़ रहा है। पेट पालने की मजबूरी में इसी पानी से गुजरने वाले लोगों से जब हमने सवाल पूछा तो उनका गुस्सा उबल पड़ा। इनको इस हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाना है, या यूं कह लीजिए जिसको मुख्य सड़क की तरफ जाना है, उनको इसी पानी से गुजरना पड़ता है। पीछे आप एक नाव देख रहे हैं और ये नाव भी सड़क के ऊपर है। लाल रंग का इस तरीके का पट्टा बांध करके प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट कहने की कोशिश की, इससे आगे आप ना जाए। कोई व्यवस्था नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। नाव है नाम खाती, हम लोग हेल करके मजदूरी करने जाते हैं। अब देखते हैं ना आप कैसे हम लोग जा रहे हैं, नाव पर कोई चढ़ाता भी नहीं है। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम बक्सर के जलीलपुर पहुंची, जहां अब जमीन मुश्किल से नजर आ रही है। पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा नजर आ रहा है। घरों में पानी घुसा तो चूल्हा बुझ गया। इस हैंडपंप को देखकर बाढ़ की परेशानी समझिए कि पानी में घिरे लोग पानी भी नहीं पी सकते। जैसे ही हमारी संवाददाता गांव पहुंची, तो बुजुर्ग चंद्रावती देवी को लगा प्रशासन की तरफ से कोई राहत बांटने आया है। भूखी और परेशान चंद्रावती देवी कमर तक भरे पानी में तसला लेकर मदद की उम्मीद में हम तक पहुंच गई। ये सामने घर है और इस घर से एक महिला जो है वो धीरे धीरे करके हम तक आने की कोशिश कर रही हैं, और ये इसलिए लेकर आ रही हैं ताकि इन्हें लगा है कि कोई इनकी मदद करने के लिए पहुंचा है। कुछ हमने की मदद मिल जाए, भगवान के भजन में, भगवान के भाव में, हमन का पेट भात में हाथ लगा, हे गुरु दया करो। हम तो यही हम जो होता। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना वैसा ही, अब सवेरे से ऐसे है। नींद से जागने के लिए पानी की कुछ बूंदे काफी होती है, लेकिन ये प्रशासन की नींद है जो इतना पानी आने के बावजूद चार दिनों बाद टूटी है। इलाके के सीईओ जायजा लेने पहुंचे तो लोग दर्द के साथ गुस्से पर भी काबू नहीं रख पाए। हम खुद निवासी हैं, हम लोग कैसे दुख झेलते हैं, हमारे परिवार भाई, और कैसे कह रहे हैं कि वो सीईओ साहब की नहीं है। तो लोगों का जो गुस्सा है उस पर, आप पहली बार देखने आए, चार दिन से पानी है? नहीं, यहाँ पानी नहीं था ना, चार दिन से पानी नहीं था। अगर अधिकारी नहीं पहुंचेंगे, अगर प्रशासनिक कोई नहीं, लोग एक आदमी भी नहीं मिले हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, ये लोग सब नहीं मिले, मिले हैं तो सब गायब थे। इनकी तस्वीर दिखाइए, इधर आइए। सीईओ साहब है, ये बता रहे कि आप लोग बाहर रहने, अभी आ रहे हैं ना, लेकिन परेशानी का कुछ विचार है। बिहार में बाढ़ नई बात नहीं है, लेकिन हर साल की तरह प्रशासन का ढीला रवैया बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर नमक का काम करता है। परेशानी की बात यह है कि खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई और इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।